सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम हाई क्लियरिटी फेस स्मूथ करना सिखाएंगे, जैसे कि आप मेरे स्किन पे देख रहे हैं। देख लीजिए मेरे भाई, फुल HD क्लियरिटी में, हाई क्लियरिटी में एकदम पूरा देख लीजिए मेरे भाई। आपको ना फेस स्मूथ करना सिखा देने वाले हैं 110% गारंटी के साथ। सबसे पहले तो मेरे भाई, बिफोर फोटो हमारा देख लीजिए कितना ब्लैक है और कितना बेकार दिख रहा है। वही मेरे भाई, एडिट होने के बाद देख लीजिए कितना HDR क्लियरिटी में और भौकाल तरीके से हमारा फोटो हुआ है। तो मेरे भाई, आप भी अपने फोटो को कुछ इसी तरीके से बना सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। और मेरे भाई, जब भी आप स्मूथ करते हैं ना, तो आपका फ़ोटो के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है। लेकिन मेरे भाई, वो सारा प्रॉब्लम आज सॉल्व कर दूंगा मेरे भाई। तो प्लीज़ यार, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम इसे स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो सबसे पहले मेरे भाई, क्या करना, अपना ओरिजिनल फ़ोटो को ले लेना है। एंड ओरिजिनल फ़ोटो को लेने के बाद स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ टूल्स को ऊपर क्लिक करना है। टूल्स को ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई, अब आपको यहाँ HDR स्पेस का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसका फिल्टर को कम करना है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है, सेचुरेशन को बढ़ाना है। उसके बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ टूल्स के ऊपर फिर से क्लिक करना है। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ पर आ जाता है एक वीगनेट का ऑप्शन। मेरे भाई, वीगनेट के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। वीगनेट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ इसका सेचुरेशन पूरा कम कर दीजिएगा, इसको भी पूरा कम कर दीजिएगा और वीगनेट को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, यहाँ से इसको डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई, यहाँ देखिए शेयर के बगल में आपको एक व्यू एडिट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर मेरे भाई क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से मेरे भाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिर से, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो फिर से एक बार क्लिक करेंगे मेरे भाई, और क्या करेंगे, अब अपने ओनली बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। ओनली बैकग्राउंड के ऊपर मेरे भाई इसको अप्लाई करना है। इसको देखिए, यहाँ से इसको आराम आराम से आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से इस तरह, ठीक है ना। एकदम परफेक्ट तरीके से मेरे भाई कीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए। उसके बाद मेरे भाई, यहाँ से इसको डन करना है। उसके बाद बैक आना है। उसके बाद मेरे भाई, फिर से यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ टून इमेज का ऑप्शन होगा। मेरे भाई, टून इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसका ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड इसका सेचुरेशन को थोड़ा सा कम करना है एंड एमिनियस को बढ़ा देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, देख लीजिए सेम टू सेम ब्राइटनेस 44%, सेचुरेशन 22% कम करना है, एम्बेनियस को बढ़ा देना आपको 46%। उसके बाद यहाँ से डन करना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ डिटेल के ऊपर क्लिक करना है एंड इसका शार्पनेस को इतना पे बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई, यहाँ से डन कर देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए। उसके बाद मेरे भाई, इस फोटो को आप डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर दीजिएगा कहाँ पे। तो मेरे भाई, इस फोटो को आप डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर दीजिएगा पिक्सट एप्लीकेशन में। पिक्सट एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे भाई आपको यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ एडजस्ट का ऑप्शन आएगा। एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है। एडजस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका ब्राइटनेस को कम करना है, क्लियरिटी को बढ़ा देना है, कंट्रास्ट को भी बढ़ा देना है
एंड सेचुरेशन को भी बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ देखिए ऊपर के साइड इरेज का ऑप्शन आएगा, इरेज के ऊपर क्लिक करना है और इसमें आना है मेरे भाई। और यहाँ पर आपको देख लीजिएगा एक बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है और ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, इसको डन करेंगे और यहाँ से भी डन कर देंगे। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से मेरे भाई स्टिकर के ऊपर क्लिक कीजिएगा या मेरे भाई ये लाइट, एक लाइट PNG है मेरे भाई, ये लाइट PNG हर किसी के पास होता है, ठीक है ना। तो इजली इसको ले लेना है और यहाँ ब्लेंड के ऊपर क्लिक करके स्किन करना है और इसको यहाँ पे रख देना है इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करके आना है और मेरे भाई यहाँ से ड्रा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को यहाँ से इजली आप सेव कर लीजिएगा। यहाँ से इस फोटो को सेव कर लेने के बाद मेरे भाई यहाँ से बैक आना है और बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस फोटो को यहाँ से शेयर करना है। कहाँ पर मेरे भाई, तो लाइटरूम एप्लीकेशन में। चलिए मेरे भाई फटाफट से क्या करते हैं, हम लाइटरूम एप्लीकेशन में इस फोटो को शेयर कर लेते हैं। लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई यहाँ ऑल फोटोज़ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ऑल फोटोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से मेरे भाई आपको एक और प्रीसेट जो होगा मेरे भाई, ये वाला प्रीसेट जो होगा इसको आपको ले लेना है। एंड इसको लेने के बाद मेरे भाई यहाँ 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ कॉपी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मेरे भाई आपको मार्क्सिंग को, हीलिंग को और ये सबसे लास्ट वाले को, इस मतलब इस सबको आप फिल करके एक को छोड़ दीजिएगा क्रॉप को, और बैक आना है और फिर से अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और इजीली मेरे भाई यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कीजिएगा कुछ इस तरीके से हमारा फ़ोटो हो जाएगा। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ कलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, मिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, सबका सेचुरेशन मेरे भाई इसको डाउन कर देंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो अपने कपड़े का कलर भी चेंज कर सकते हैं इजीली, मेरे को ये बेस्ट लग रहा है और इसको थोड़ा सा कम करेंगे। उसके बाद मेरे भाई क्या करेंगे, इस फोटो को डायरेक्ट यहां से शेयर करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में हाई क्लियरिटी में स्मूथ करने के लिए। हाई क्लियरिटी में स्मूथ करने के लिए मेरे भाई सबसे पहले यहां पर क्लिक करना होगा। इसको ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करना होगा, इस वाले ब्रश को ले लीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा और सेटिंग के ऊपर क्लिक करके फॉलो को आपको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा यहाँ 8 के करीब और स्ट्रेंथ को 10, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई अपने फेस को जूम कीजिएगा और जूम करने के बाद मेरे भाई अच्छे तरीके से आराम आराम से इसको स्मूथ कीजिएगा। देख लीजिए मेरे भाई हमारा फेस कितने अच्छे तरीके से एकदम हाई क्लियरिटी में स्मूथ हो रहा है, आप सबके आंखों के सामने मेरे भाई, और ब्लैक ब्लैक सा भी नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए कितना अच्छा तरीके से स्मूथ हो गया और फिर यहाँ पर स्मूथ करते हैं मेरे भाई, तो देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।